जिस गर्माहट के साथ पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय राजनीति में धमाका किया था, उतनी ही खामोशी के साथ उनके सियासी करियर का लगभग समापन हो गया। सवाल उठता है, आखिर पारस से चूक कहाँ हो गई, जबकि पारस के खेमे में पहले 5 और बाद में 4 सांसद थे, जबकि वो खुद मोदी कैबिनेट में अभी तक मंत्री हैं। इतना बड़ा ओहदा रखने के बावजूद वो अपने ही भतीजे चिराग पासवान से मात कैसे खा गए? दरअसल इसके लिए खुद पारस ही जिम्मेदार हैं। पारस के सियासी करियर को देखे तो उन्होंने हमेशा उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सीखा, पहले रामविलास पासवान का, उनके बाद चिराग पासवान का और अभी पीएम मोदी का। उंगली छोड़कर कभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाए और इसकी उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वो उंगली पकड़कर बढ़ने के बावजूद खुद को नेता समझ बैठे, जबकि वो नेता कभी बन ही नहीं पाए थे। 2021 में उन्होंने चिराग के करियर का लगभग सत्यानाश ही कर दिया था। इसमें उन्हें जदयू और बीजेपी का भी सहयोग मिला। ऐसे में पारस अपनी छवि को बड़ा कर सकते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद ही आलस के वो शिकार हो गए। नेता से तो जुड़ गए, लेकिन कभी जनता से जुड़ाव की कोशिश ही नहीं की। ऊपर से वो ऐसे बयान देते गए जिस जनता उनसे और भी कटती गई। कटती क्या गई, कभी वो जनता के बीच गए ही नहीं। हाजीपुर से वो सांसद है, लेकिन हाजीपुर के किसी गांव का उन्होंने लगभग 4 साल तक दौरा ही नहीं किया। कभी कभी वो हाजीपुर जरूर पहुंचे, लेकिन सिर्फ अधिकारियों से ही मिलकर लौट गए। वो खुद को हाजीपुर के सियासत का बारिश भी बताते रहे, लेकिन वोट देने वाली जनता से वो जुड़ ही नहीं सके। उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आई कि विरासत राजतंत्र में मिलता है, लोकतंत्र में तो असली मालिक जनता होती है और हाजीपुर की जनता तो समय आने पर रामविलास पासवान को भी हरा देती है। तो पारस कौन होते हैं बारिश बनने वाले? जिस रामविलास पासवान का वो हमेशा नाम लेते हैं, वो जब भी केंद्र में मंत्री बने तो हाजीपुर के खाते में उनके मंत्रालय से जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ। लेकिन पारस आज दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हाजीपुर के लिए उन्होंने कुछ किया। अपने सांसद निधि से भी हाजीपुर के लिए वो कुछ नहीं कर सके। उनके प्रति हाजीपुर में एक माहौल सेट हो गया था। एक बार वो हाजीपुर संसदीय सीट के बांतू गांव पहुंचे थे, जहां नाराज लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया था, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाने के बाद वो छूट सके थे। वहीं कायदे से एनडीए में रहते हुए उन्हें विपक्ष पर हमला बोलना चाहिए था, लेकिन वो विपक्ष को छोड़कर अपने भतीजे को ही टारगेट कर रहे थे। राजनीति में दलों से दिल टूटता है और फिर जुड़ता भी है, लेकिन उन्होंने तो अपने परिवार से भी संबंध तोड़ लिया था। सांसद प्रिंस के भाई की शादी में भी चिराग को नहीं बुलाया गया, जबकि चिराग तो घर में सबसे बड़े भाई थे। इस जनता में गलत मैसेज गया। ऊपर से वो जनाधार भी सेट नहीं कर सके, ना ही वो जात के नेता बन सके और ना ही जमात के। अगर वो चाहते तो बिहार भर का दौरा कर जनता को अपना बना सकते थे, लेकिन इस पर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि वो घमंड के शिकार हो गए। वहीं पार्टी और परिवार में टूट के बाद भी चिराग रुके नहीं, वो सीधे जनता के बीच गए। वो जनता से कभी कटे ही नहीं। रामविलास पासवान के जहां देश की सियासत में दलित नेता की पहचान थी, वहीं चिराग आज जमात के नेता बनकर उभरे हैं। उनकी सभाओं में अपार भीड़ उमड़ती है, वहीं पारस आज तक एक सभा भी नहीं कर सके। यही वजह है कि जब एनडीए में खटपट की खबरें आ रही थी तो विपक्ष चिराग के लिए बाहें फैलाकर खड़ी थी। लगातार चिराग को ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे थे, वहीं आज पारस अलग थलग पड़ गए हैं तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। विपक्ष भी आज उन्हें घास डालने को तैयार नहीं। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, पारस को
अभी भी पहल करनी चाहिए और सबसे पहले चिराग से संबंध ठीक करनी चाहिए। चिराग का जैसा स्वभाव है वैसे माना जा सकता है कि वो पारस को आज ही माफ कर सकते हैं। अगर पारस आज भी हक के साथ चिराग से बात करे तो शायद ही चिराग मना कर सके, लेकिन पारस का दम टूटेगा तभी ऐसा संभव हो पाएगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।